कैपिटल ऑफ बिहार पटना, वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, और इसीलिए ये चुनाव खास है। और हमारे साथ खास जो शख्सियत है इस चुनाव के, वो साथ में है नरेंद्र मोदी। ये शोर देखिए, ये लोगों का उत्साह देखिए, और यही बिहार के पटना के रोड शो का माहौल है। और मैं यही पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत है टाइम्स पत्रिका के, जो ये माहौल दिख रहा है, जो हुजूम दिख रहा है पटना की सड़कों पर, ये क्या कह रहा है? अगर एक शब्द में कहना है तो 400 पार साफ साफ पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को अभूतपूर्व विजय और सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला विजय इस चुनाव में निश्चित है। लेकिन अगर कहें तो लालू यादव, एक तरह से आरोप विपक्ष आप पर लगाता है कि आरक्षण खत्म करेंगे 400 सीटें लाने के बाद, लेकिन वहीं वो मुस्लिम आरक्षण के समर्थन की बात करें, उनको देने की बात। उसके दो जवाब है, एक भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास 2019 से 2024 हमारे पास करीब करीब 400 सीट थी, एनडीए प्लस हम 400 सीट के साथ 5 साल काम किया है, तो ये 400 के कारण ऐसा होगा ये तो बिल्कुल ही निराधार है। दूसरा, ये बार बार इसलिए बोलते हैं कि उनके पेट में पाप है और लालू जी के मुंह से निकल गया है कि वे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, इतना ही नहीं पूरा का पूरा देंगे, मतलब एससी एसटी ओबीसी वो आरक्षण भी छीन करके मुसलमानों को देंगे। जहां तक भारत के संविधान का सवाल है, जिस समय भारत का संविधान बना उस संविधान में संविधान सभा का सुविचारित मत था कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू भी धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने रातों रात सभी मुसलमान को ओबीसी बना करके ओबीसी का जो अधिकार था वो छीन लिया। और मेरा स्पष्ट मत है, देश की जनता ये संविधान का अपमान नहीं सहेगी, देश की जनता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगी। और जहां तक मोदी का सवाल है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर देश को बांटने की हर साजिश को मैं खत्म करूंगा। जो विपक्ष का बहुत आरोप है कि ईडी सीबीआई का जो एक तरह से मिसयूज करके लोगों को पकड़ा जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है वो उसके बाद जो धन पकड़ा जा रहा है, जो काला धन पकड़ा जा रहा है, उसको पूरे देश में, दुनिया में, मेरे जो देश के लोग हैं, युवा है, उसको लगता है कि वो वापस आएगा? देश के लोगों ने पहली बार देखा है कि लगातार नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं, नोट गिनने वाले मशीन थक जाते हैं, और ज्यादातर पैसे राजनेताओं के यहां से पकड़े गए हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स के यहां से पकड़े गए, ड्रग माफियाओं के यहां से पकड़े गए हैं, गन रनर के यहां से पकड़े गए हैं। तो देश की जनता देख रही है 1.25 लाख करोड़ रुपया पकड़े जाना, और उसके बाद भी अगर आपको तो ईडी की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम से कम काम कर रहे हैं, उनको जो तनख्वाह मिलता है उसका ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरा मत है कि जिसका पैसा गया है, जैसे बिहार में नौकरी के बदले में जमीन ले ली है, जब उसका ट्रेल मिलेगा, मैं उन सबकी जमीन वापस मिले इसके लिए सारी कानूनी एक्टिविटी करूंगा। बंगाल में शिक्षक भर्ती, जिन गरीब बच्चों से पैसे लेकर के झूठी नौकरियां दी, उस बंगाल में ट्रेल है कि भी इसके पास से इतना पैसा लिया, पैसे जब्त किए हैं। मैं चाहता हूं गरीबों का जो पैसा है वो मैं वापस लौटाऊंगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अब तक हम 17,000 करोड़ रुपीज ऑलरेडी दे चुके हैं। जो पूरा मोदी मोदी लग गया, पीछे में राम मंदिर का रेप्लिका भी आपको दिख रहा है,
एक बड़ा सवाल। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बनेगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। इन्होंने इन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है, एक आदिवासी बेटी का अपमान किया है। उद्घाटन तो हुआ था जनवरी में, जिस दिन राष्ट्रपति जी राम मंदिर में पूजा करने गई उसके दूसरे दिन कांग्रेस ने बयान दिया कि अब हम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मतलब ये आदिवासियों का अपमान है, नारी का अपमान है, राष्ट्रपति पद का अपमान है, राम लला का अपमान है, राम मंदिर का अपमान है, ये क्या भाषा बोल रहे हैं लोग? राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लेकर, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी होती है, आप एक उम्र में भी आप बड़े हैं, ऐसे में उसको क्या कहेंगे आप? ये नामदार है, हम कामदार है। एक गरीब माँ का बच्चा जिंदगी भर गालियां सुन सुन करके यहाँ आया है और इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा वे नामदार है, हम कामदार है, उनको जो मर्जी पड़े, जो उनके संस्कार हो, जो उनको कहना हो वो कहें। राहुल आपकी हर जगह में नरेंद्र मोदी गारंटी चल रही है, लेकिन राहुल बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कांग्रेस की पूरी कोशिश यह है वो मान्य विपक्ष कैसे बने, और कांग्रेस उनके इंडिया अलायंस के साथी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा छोटी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए चुनाव के बाद। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेली कांग्रेस मान्य विपक्ष नहीं बन पाएगी, ये छोटे छोटे दल मिल जाए तो शायद मान्य विपक्ष बन सके, तो उनके लिए तो मान्य विपक्ष बनने के मुसीबत सामने दिख रही है। देखिए कांग्रेस के सीएम ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। ये डे वन से ऐसी भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि ये लोग मार करके चले जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इतने सालों के बाद हर कसौटी से पार उतर चुकी है। तभी बार बार पाकिस्तान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रधानमंत्री ने सब शब्दों का, और सबसे बड़ी बात की ये जोश बताता है कि क्या माहौल है यहाँ पर, और किस तरह से जो माहौल है, जिस तरह से लोगों का समर्थन है वही बता रहा है। प्रधानमंत्री ने एक शब्दों में कहा कि इसका मतलब साफ है कि एक शब्द माहौल पर कहने के लिए कि अब की बार 400 पार, और प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट है कि जो समर्थन है।